तो दोस्तों देख सकते हैं कि दो फोन है हमारे पास, एक में चार्जिंग की प्रॉब्लम है ये वाले फोन में, और ये है रियलमी 8i, और दूसरा फोन है हमारा ये रियलमी नार्जो 50। तो ये रियलमी नार्जो 50 है और इस वाले फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, और इस वाले फ़ोन ये वाला फ़ोन ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत फ़िलहाल में नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर इन दोनों फ़ोन में किस तरीके अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कोई भी, चाहे रियलमी नार्जो 50 हो 50 या फिर रियलमी 8i, दोनों में चार्जिंग की अगर प्रॉब्लम क्रिएट है तो किस तरीके से सॉल्व करनी है। देखिए अभी हम ये जो कंप्लीट है इसमें चार्जिंग हो रही है इसको हम चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए इसमें चार्जिंग हमारी शो कर रही है, यानी कि चार्जिंग हो रही है और यहाँ भी सैंपल दिखाई दे रहा है, कोई भी दिक्कत फिलहाल में नहीं है। वहीं हम बात करें इस वाले फ़ोन की, तो इसमें क्या है कि इसमें चार्जिंग जो है हमारी शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने लगाया तो इसमें चार्जिंग शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है किस तरीके से सॉल्व होगी। तो ये भी फ़ोन चालू है और इस मोबाइल की बैटरी हमने इस मोबाइल में डाल के चार्ज कर ली है, तो ये भी चालू है फ़ोन। देखिए ये भी 86% चार्ज है लेकिन चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट है। फिलहाल में हमने देखा है कि कहाँ से क्या दिक्कत है, लेकिन हमने सोचा कि इसका एक वीडियो बना देते हैं, आप लोगों के लिए भी सही रहेगा। चलिए अभी हम इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करके दिखाएंगे। चलिए जल्दी से खोल लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देंगे ताकि समय ज़्यादा न लगे। तो देखिए दोस्तों इसको हमने खोल दिया है फ़ोन को, और ये सारी चीज़ें हम एक साइड रख देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कहाँ पे आखिर प्रॉब्लम क्रिएट है और कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इस वाले देखिए बताना चाहेंगे कि ये रियलमी नार्जो 50 है, यानी कि रियलमी नार्जो 50, और ये है रियलमी 8i। तो दोनों ही फ़ोन सेम तरीके के हैं, सेम बोर्ड है, सब कुछ है, हमने बैटरी इसकी इसमें डाल के भी चेक किया है, सब कुछ किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे ये वाला फ़ोन हो चाहे ये वाला फ़ोन हो, इसी ट्रिक से आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं और इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वाले फ़ोन को अभी एक साइड में रख देते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए चार्जिंग की अगर प्रॉब्लम क्रिएट है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना चार्जिंग कनेक्टर, ये देख सकते हैं यहाँ पे खार वगैरह जमी हुई है पूरी तरीके से, तो सबसे पहले आपको इसको क्लीन कर लेना है। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट टूटा वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर आपको कनेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। तो देख लेना है आपको कैसी कंडीशन में है, अगर चेंज करने लायक है तो चेंज कर दीजिए, और नहीं तो आप इसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद जो है आपकी वोल्टेज जो है इन होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए प्रिंट वगैरह दिखाई देने लगे हैं, और अब हम लगाएंगे इसमें चार्जर। तो चार्जर को इन करेंगे, तो चार्जर को इन करने के बाद देखेंगे कि हमारा वोल्टेज जो है कहां से कहां तक जा रहा है। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको यहां पे जो मल्टीमीटर है इसको 200 की डीसी रेंज पे सेट कर देना है। तो हमारा हमने सेट कर दिया, और एक क्रॉप को लगा लेंगे ग्राउंड पे, और दूसरे को देखिए यहां पे पॉजिटिव की इस वाले कनेक्टर में 4 पॉइंट होते हैं पॉजिटिव के, और चारों पॉइंट यहाँ पर ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, अभी हम जूम करके दिखा देंगे। देखिए इसकी सप्लाई हमको यहाँ तक मिल रही है इस कैपेसिटर पे, कैपेसिटर हम पास से दिखा देते हैं। तो ये वाला जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, यहाँ से जब इन होगा वोल्टेज तो यहाँ तक आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। देखिए अभी हम आपको चेक कराएंगे, देखिए
5.0 वोल्टेज मिल रहा है इसी वाले गैस हीटर पे, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो ये वाला जो कनेक्टर है हमारा, ये वाला कनेक्टर हमारा ठीक है, ये कन्फर्म हो गया, तो हमको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमको लगाना है यहाँ से इस वाले पॉइंट पे, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है हम आपको, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमको कोई भी सप्लाई नहीं दिखाई दे रही, यानी सप्लाई मिसिंग है। ठीक है, तो कैपेसिटर तक सप्लाई हमारी इस वाले कैपेसिटर तक आ रही है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं आ रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सप्लाई हमारी इस वाले पत्ते तक जा रही है, इस वाले पत्ते से इस वाले पत्ते तक ये आउट नहीं हो रही है, और इस पर अगर हो भी रही होगी तो यहाँ तक नहीं आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुँच नहीं रहा वोल्टेज, तो चार्जिंग शो नहीं हो रहा है। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है आपके फ़ोन में तो करना क्या है आपको, एक जम्पर लगाना है। और वो जम्पर कैसे लगाना है, ये वाला जो कैपेसिटर हमने अभी आपको चेक कराया था, यहाँ पे आपको एक जम्पर लगाना है, यहाँ तक सप्लाई आ रही थी हमारी, और यहाँ पे हमारी सप्लाई मिसिंग थी, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे सप्लाई को जोड़ देना है। जैसे ही आप सप्लाई जोड़ेंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी जो है चार्जिंग भी करना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम जोड़ के देख लेते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए ये हमने सप्लाई को जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद ही अभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी चार्जिंग भी शो होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप कि चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ और होती है, कभी कभी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस वाले जो चार्जिंग कनेक्टर है ना, इसको अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए, और डेटा केबल को भी चेंज करके देख लीजिए, तो आपकी जो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है ना, चलते रहता है बैटरी भरती नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आपकी डेटा केबल चेंज करने से या फिर इस चार्जिंग कनेक्टर की क्लीनिंग करने से सॉल्व हो जाती है, हमने कई बार सॉल्व भी की है। दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।